Good evening, friends. This is your host Ashish Borua from Borua's Way. Weekly currency analysis pe aap sabhi ko swagat hai. Please watch till the end to get the most information. Before we start, please like this video as it inspires me to put more effort and make new, better, creative and effective content for you. Without further ado, let's begin. Aaj hai 17th of July 2022. Aaiye dekhte hain ki last week mein kaise प्राइस बिहेव किया है और आने वाले हफ्ते में कैसे प्राइस मूव हो सकता है। डॉलर इंडेक्स वीकली हमने देखा है कि ये 109.30 तक मूव करके आया है आफ्टर यूएस सीपीआई डेटा, एंड फाइनली फ्राइडे में हमने देखा है कि 107.98 तक है। यहाँ पे एज ऑफ नाउ कोई सॉफ्टनेस का गुंजाइश ऑन वीकली टाइम फ्रेम कुछ दिख नहीं रहा है। आइए देखते हैं डेली पे कुछ देख रहा है या नहीं। अभी डेली में जो है यहाँ पे आरएसआई का एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे अगर क्लोज दे देता है आरएसआई तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस हम देख सकते हैं। डॉलर रुपी इस हफ्ते में ऑल टाइम हाई दैट इज 80.21 टच करके आया है। काफी वेटेड था 80 फिगर जो इस हफ्ते में हमने देखा है कि ये हाई टच करके आया है, एंड वीकली जो क्लोज था 79.76। इसको अगर डेली टाइम फ्रेम में देखने का कोशिश करेंगे यहाँ पर भी कोई सेलिंग का कोई मेजर इंडिकेशंस है नहीं, लेकिन हम अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट खींचने का कोशिश करेंगे तो आने वाले हफ्ते में कोई भी अगर डेली क्लोज इसके नीचे देता है उसके बाद ही थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्टनेस इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टिल दैट टाइम वी नीड टू वेट फॉर सम सेलिंग ट्रिगर्स। जीबीपी डॉलर में पहले वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली में आपका ये लो जो ट्रेड हुआ है 1.1760 एंड फाइनली क्लोज्ड एट 1.1866। यहां पर भी मींस बाइंग के लिए कोई एज ऑफ नाउ कोई इंडिकेशंस दिख नहीं रहा है। सेल ऑप्टिक्स ही बरकरार है काफी टाइम से। अगर हम इसको डेली में देखने का कोशिश करेंगे तो डेली में एक आपका यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपका आ रहा है। इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं दे देता है तो बाइंग के लिए कोई अच्छा सेटअप दिख नहीं रहा है। हमें इसमें इंतजार करना पड़ेगा। यूरो अगर हम वीकली देखेंगे इट ट्रेडेड लो ऑफ 0.9952 एंड वीकली जो क्लोज है 1.0086। अभी बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि व्हाट नेक्स्ट सेलिंग के लिए सेल ऑप्टिक्स। ये करंट लेवल पे सेलिंग करके इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। सेल ऑप्टिक्स में हम इसको ट्रेड कर सकते हैं जब तक डेली टाइम फ्रेम में कोई बाइंग का सिग्नल्स नहीं दिखता है। यहाँ पे जो प्राइस एक्शंस जो दिख रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से जब तक ये पार्टिकुलर कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है, दैट मींस आपका 11 जुलाई का हाई के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है, तब तक हमें बाइंग के लिए थोड़ा सा खुद को अवॉइड करना चाहिए। डॉलर येन में वीकली में हम अगर देखेंगे तो ये वीकली में रिसेंट जो हाई है दैट इज 139.39 टच करके आया है एंड क्लोज एट 138.48। यहाँ पर भी वीकनेसेस का कोई मींस सिग्नल्स दिख नहीं रहा है। और डेली टर्म्स में अगर हम देखेंगे यहाँ पर भी वही हाल है। ये जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं दे देता है तो सॉफ्टनेस यहाँ पे कोई आशा नहीं कर सकते हैं, यानी सेलिंग कुछ आशा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इसके ट्रेंड लाइन के नीचे एक बार क्लोज दे देगा तो हम इसमें कुछ सेलिंग के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। जीबीपी आईएनआर वीकली एक टिपिकल सपोर्ट एरिया पे है। यहाँ पे ये जो जोन है दैट इज 94.30 एंड 93.50, इससे
टिपिकल सपोर्ट जोन ऑन वीकली टाइम फ्रेम। यहाँ पे सेल ऑप्टिक्स ही अभी नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम डेली चार्ट का देखने का कोशिश करेंगे, यहाँ पे कंसोलिडेशंस हो रहा है। जब तक ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है, बाइंग के लिए कोई सोचने से भी ज्यादा फायदा होगा नहीं। यूरो आईएनआर आपका वीकली में देखेंगे, ये एक पिन बार बनाया हुआ है, पिन बार एट सपोर्ट लेवल। इसका इनिशियल क्या है कि इसके हाई के ऊपर अगर क्लोज दे देता है वीकली बेसिस में, तो थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेंथ हमें दिखेगा, लेकिन मेजर स्ट्रेंथ उसके प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर, यानी आपका ये वाला हाई दैट इज 82.50 के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज देगा, तो हमें एक बाइंग साइड में स्ट्रेंथ मिलेगा। तब तक हमें सेल ऑप्टिक्स ही ऑन वीकली टाइम फ्रेम देखना है। डेली में यहाँ पे आपका ये पार्टिकुलर कैंडल दैट इज 11th of July, इसके हाई के ऊपर ही कुछ बाइंग के लिए हल्का सा हम यहाँ पे कुछ सोच सकते हैं। JPY INR वीकली में हम देखेंगे तो ये लोअर लेवल पे काफी कंसोलिडेट कर रहा है, तो बाइंग के लिए एज ऑफ नाउ कुछ नजर में है नहीं, रेदर सेल ऑप्टिक्स में बी कंसीडर्ड हियर। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये अभी आपका इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, दैट इज 0.5700 से 0.5730 के लेवल पे, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक नजर रखना पड़ेगा। RSI यहाँ पे आपका 40 लेवल्स में सपोर्ट अगर ले लेता है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए रेंज शिफ्ट। हमें थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुली मॉनिटर करना है RSI ऑन डेली टाइम फ्रेम। अगर रेंज शिफ्ट होता है तो देन वी मे थिंक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज। डॉलर कैंडी वीकली में जो हमने देखा था कि रेट हाइक होने के दिन सेल ऑफ आया था, उसके बाद वाले दिन काफी ऊपर ट्रेड हुआ है एंड इट ट्रेडेड हाई ऑफ 1.3223। उसके बाद ये जो आपका रेजिस्टेंस है उसके नीचे क्लोज दे दिया है। व्हाट इट सिग्नल्स, इट सिग्नल्स रिजेक्शंस इन दिस पर्टिकुलर एरिया, दैट बीइंग द केस अभी ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है, इसको अगर ऊपर जाना है तो ये हाई के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज देना पड़ेगा। अगर हम डेली में देखेंगे ये एक प्राइस रिजेक्शन है एट दिस पर्टिकुलर लेवल, मीन्स ये जो जोन है दैट इज 1.3080 के ऊपर, ये इट इज एक्टिंग एज ए गुड रेजिस्टेंस लेवल। अभी आपका 14 जुलाई के लो के नीचे डेली बेसिस में क्लोज दे देगा, तो हमें जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 1.2800 के तरफ। ऑसी डॉलर अगर हम वीकली में देखेंगे, यहाँ पर भी आपका प्राइस एक्शन जो है एक पिन हैमर बनाया हुआ है या पिन बार बनाया हुआ है, दैट बीइंग द केस हमें थोड़ा सा 4 जुलाई वीक का जो हाई है उसके ऊपर थोड़ा सा बाइंग हम देख सकते हैं। डेली में ये जो लेवल है आपका 0.6850 उसके ऊपर क्लोज देगा, तो हम ऊपर की तरफ थोड़ा सा बाइंग के लिए सोच सकते हैं, अदरवाइज वी नीड टू वेट। डॉलर CNH वीकली में आपका ये साइडवेज बिटवीन 6.80 एंड आपका 6.62 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। एक सिग्नल है कि RSI जो है ये इट इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 60। यहाँ पे अगर कुछ पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन हमें मिलता है देन देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज की GBP डॉलर CNH में हेड टू आर 6.84। डेली में अगर हम देखेंगे ये ट्राइंगल को कन्विंसिंगली ऊपर की तरफ ब्रेक कर नहीं पा रहा है, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। ब्रेंट ऑयल वीकली में हम देखते हैं, यूके ऑयल जो है ये आपका 97 के नीचे सस्टेन कर नहीं पाया एंड प्राइस ऊपर जाके क्लोज दिया 100.79। दैट बीइंग द केस यहाँ पे एक और
चौपीनेस क्रिएट करने का मौका दे रहा है, यानी प्राइस आने वाले दिनों में एक पार्टिकुलर ट्रेंडेड डायरेक्शन में जाने का आशा थोड़ा सा कम है, चौपीनेस बरकरार रहेगा। आरएसआई टर्म्स में थोड़ा सा आपका ऊपर में आता है, एंड प्राइस अगर 111.50 से 112.00 की तरफ आता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए हम लोअर टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। डेली में ये एक पिन बार बनाया हुआ है एट सपोर्ट लेवल, दैट बीइंग द केस इमीडिएट हम देख सकते हैं 107.50 की तरफ, एंड देन 113.55 एंड 118.00, दिस में दिस टू लेवल्स दैट इज 113.27 एंड 118.00 में एक्ट एज ए रेजिस्टेंस लेवल। यूएस 10-ईयर ट्रेजरी अगर हम देखेंगे, पहले हम वीकली देख लेते हैं। वीकली में प्राइस एक्शन अच्छा बन रहा है, लेकिन आने वाले हफ्ते में अगर 4 जुलाई के लो के नीचे क्लोज दे देता है तो एक डाउनवर्ड मूव हम देख सकते हैं, यानी सॉफ्टनेस देख सकते हैं। उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। और डेली में अगर हम देखेंगे, डेली में अभी फिलहाल लोअर हाई लोअर लो कंटिन्यूएशन पैटर्न में है। अभी हमें ये 6 जुलाई के लो के नीचे क्लोज अगर देगा, इट विल कंफर्म द लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस। अगर आपका 11 जुलाई की हाई के ऊपर अगर क्लोज दे देता है, दैट इज 3.106, देन ये जो लोअर हाई लोअर लो इसको निगेट करेगा एंड मार्केट विल एंटर इनटू ए चॉपी वॉलेटाइल एंड इरेटिक मूवमेंट्स में, काफी बोथ साइड चॉपीनेस में बी एक्सपेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इफ वी सी, अगर हम ये लेवल के ऊपर डेली क्लोज देखते हैं, दैट इज 3.1070 के ऊपर। करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो योर थॉट्स ऑफ दिस वीडियो, इट हेल्प्स आउट ग्रेटली। Thank you again. This is Ashish Barua from Barua's Way signing off.